हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बात करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। इसको समझने के लिए एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये सरफेस स्मूथ है। इस पे एक ब्लॉक मूव कर रहा है, एम मास का ब्लॉक है, उसकी वेलोसिटी है यहाँ पर यू। इस ब्लॉक के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगा दीजिए F मैग्नीट्यूड का, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कुछ देर के बाद ब्लॉक का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है डेल्टा आर, और ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाती है V। तो क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा आर, जहां पर कि ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए डेल्टा आर। इस इक्वेशन को दोनों साइड से एम बाय टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलएचएस को भी और आरएचएस को भी। तो यहां आपको मिल जाता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए डेल्टा आर। ए की जो वैल्यू है, ए इज एक्सेलेरेशन यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन होगा एफ कॉस थीटा अपॉन एम। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एम एफ कॉस थीटा अपॉन एम इनटू डेल्टा आर इक्वल्स टू एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू और एलएचएस क्या है, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो वी सी दैट दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, दिस इज वर्क डन, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमें मिल रहा है यहाँ पर, जो कि ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा उतना जितना कि उस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि वर्क इज द रीजन, वर्क इज द कॉज बिकॉज ऑफ विच काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, और इसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू नेट वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट। देखिए, वर्क डन का साइन यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव होगा, इफ केस वन, इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, तो फिर उस केस में देखिए काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है। इसलिए आप बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, इस केस में वर्क डन जब भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव होगा तो आप देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल, एक बॉल को आप ड्रॉप कर दीजिए। अब जब बॉल को ड्रॉप करेंगे तो आप देखते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उस पर पॉजिटिव वर्क करता है एम जी।
बॉल मान लीजिए, दिस इज बॉल एम जी इज डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट टू इज डाउनवर्ड। इसी वजह से पॉजिटिव वर्क होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज के आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए कि दिस इज अ क्वेश्चन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 100 जूल एंड वर्क डन इज प्लस 200 जूल, व्हाट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी? तो यहां पर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। आपको क्या दिया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कितना किया गया है वो दिया है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई इक्वल्स टू डब्ल्यू, के एफ आपको निकालना है, के आई इज 100 इक्वल्स टू प्लस 200, दिस गिव्स यू के एफ इक्वल्स टू 300 जूल। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क होने के कारण काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज कर गई है। दूसरा केस कंसीडर करते हैं, इफ वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी बॉल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड, तो जब तक कि वो मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचता है तो उस पर वर्क डन नेगेटिव होता है mg के कारण, वेट के कारण, क्योंकि mg का डायरेक्शन नीचे होता है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होता है। तो इसी वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इस बॉल की वेलोसिटी कम होते जाती है जब तक कि वो मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 500 जूल, वर्क डन इज माइनस 100 जूल, व्हाट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी? यहां पर भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, के एफ माइनस के आई इक्वल्स टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू नेट वर्क डन माइनस 100, के एफ इक्वल्स टू जूल। आप देख रहे हैं कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है जब भी नेगेटिव वर्क होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ए 1 kg ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय 10 meters अंडर 10 newton हॉरिजॉन्टल फोर्स, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.2, व्हाट विल बी ब्लॉक्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 meters डिस्प्लेसमेंट? ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, टेक जी इक्वल्स टू 10 meters per second square। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक ब्लॉक पे 10 newton का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है और ब्लॉक और सरफेस के बीच में 0.2 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। आपको ये बताना है कि जब ये ब्लॉक 10 meters का डिस्प्लेसमेंट होगा जब इस ब्लॉक में, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो पहले देखते हैं इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस ब्लॉक पे mg लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और पीछे के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और एक 10 newton का फोर्स लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू 10 newton, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी इक्वल्स टू 0.2 इंटू 10 इक्वल्स टू 2 newton। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय 10 newton इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
देखिए नॉर्मल फोर्स का वर्क जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी तरह से एम जी का भी वर्क जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल और एम जी एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है, फ्रिक्शन का वर्क होगा माइनस एफ डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस वर्क डन बाय 10 न्यूटन विल बी 10 इंटू 10 इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई। फ्रिक्शन की वैल्यू रख दीजिए 2 न्यूटन माइनस 2 इंटू 10 प्लस 100 इक्वल्स टू के एफ, के आई विल बी जीरो क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 80 जूल।